वैष्णो देवी जाना चाहते हो, माता रानी के दर्शन करना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूज हो कैसे जाए, कब जाए, कितना खर्चा आएगा? तो भाई मेरे पास एक प्लान है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले ट्रेन बुक करो 7:55 की दिल्ली से, और टाइम पर दिल्ली पहुंचकर अपनी ट्रेन पकड़ लो जो आपको ये मॉर्निंग में 8 बजे कटरा उतार देगी। और पहुंचते ही सबसे पहले यात्रा करने के लिए RFD कार्ड बनवाओ रेलवे स्टेशन से ही। उसके बाद 500 से 600 रुपए तक का होटल बुक करो, थोड़ी देर आराम करो और 10 बजे यहाँ से निकल लो। कैब या ऑटो आपको माता रानी की मार्केट तक छोड़ देंगे जहाँ से आपको यात्रा करनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ से चलने के लिए लकड़ी भी ले सकते हो और सर पे बांधने के लिए पट्टी, जो मात्र 10-10 रुपए में मिल जाएगी। ये सारे काम होने के बाद 11:30 से 12 बजे तक अपनी यात्रा शुरू कर दो, जो 12 किलोमीटर की होगी। उसके बाद बाणगंगा पहुंचो, फिर अर्धकुंवारी के दर्शन करो। उसके बाद रात को 7 से 8 बजे तक पहुंच जाओ माँ माता रानी के भवन में। 10 से 10:30 बजे तक दर्शन करने के बाद 12:30 तक पहुंच जाओ भैरू बाबा के। और सबसे लास्ट में सुबह के 4:30 बजे तक अपने होटल पहुंच के आराम करो। माता रानी की ट्रिप एकदम शॉर्ट है, बिना किसी झंझट के, ना कोई टेंशन ना कोई लफड़ा। जय माता दी।